अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असम के टीवी चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे पूछ रहा था कि सर रैबिट का एस कैसे पता कर सकते हैं, इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाइए। तो फाइनली वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सा रैबिट एक महीने का है, कौन सा दो महीने का है, कौन सा तीन महीने का है, कौन सा चार पाँच महीने का है, कौन सा रैबिट सालों पुराना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए और दोस्तों लाइक करना ना भूले। तो बिना किसी देर के चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप रैबिट एडॉप्ट करना चाहते हैं तो कम से कम दो महीने के बच्चे एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों दो महीने के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह माँ का दूध पीता है। लेकिन अगर आप दो महीने के नीचे के बच्चे एडॉप्ट करेंगे तो वो बच्चे मरने का 95% चांसेस रहता है, क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध अच्छी तरह नहीं पीता है उस बच्चे का हेल्थ इशू आना कॉमन बात है, उसका ग्रोथ उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रैबिट एडॉप्ट करूँगा तो कम से कम दो महीने के बच्चे एडॉप्ट कीजिए। खैर मेन मुद्दे पर आते हैं, रैबिट का जो साइज है साइज से कैसे आप एज पता कर सकते हैं, और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कि रैबिट का जो पोटी है उस पोटी से कैसे आप रैबिट का जो एस है वो पता कर सकते हैं। तो मेरे पास जो आप बच्चे देख रहे हैं ये बच्चे एक महीने के बच्चे हैं। तो एक महीने का जो बच्चे है वो पहचानने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहले एक महीने का जो बच्चे का जो मुंह है दोस्तों वो काफ़ी छोटा रहता है, आप देख सकते हैं बच्चे का जो मुँह है काफ़ी छोटे है और बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं। एक महीने का जो बच्चे है उन बच्चों का जो फर है बाल है वो काफ़ी घने बाल होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बाल आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर, और सारे बाल जो है वो खड़े रहता है, आप देख सकते हैं सारे के सारे बाल खड़े रहता है और कुछ एक्स्ट्रा फर आपको देखने को मिलता है। और आप एक महीने के बच्चे को एक हाथ से आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के बराबर होते हैं एक महीने के जो बच्चे हैं वो, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं इसलिए बच्चे एक बॉल की तरह देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं एक बॉल की तरह देखने को मिलता है एक महीने के जो बच्चे हैं। दोस्तों ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये दो महीने के बच्चे हैं। तो दो महीने के जो बच्चे हैं उनका जो फर होते हैं वो नीचे की तरह रहता है, मतलब लेटा रहता है, और बच्चे का जो मुंह है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, बाहर निकल कर आता है। और दूसरा जो बात है वो है बच्चे काफ़ी लंबा देखने को मिलता है, क्योंकि इस उम्र में रैबिट का जो ग्रोथ है वो होता है, इसलिए बच्चे थोड़ा लंबा देखने को मिलता है, थोड़ा दुबला पतला देखने को लगता है। अगर मैं एक महीने के बच्चे के साथ कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं हाफ एंड डबल, ये है एक महीने के बच्चे और ये है दो महीने के बच्चे, तो आप दोनों का साइज देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी छोटा है, हाफ एंड डबल। इस वक्त आप जो बच्चे देख रहे हैं ये है तीन महीने के बच्चे। तो तीन महीने के जो बच्चे हैं वो काफ़ी हेल्दी एंड फिट रहता है, आप शायद देख ही पा रहे हैं। रैबिट का जो बाल है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी फिनिशिंग में रहता है, तो आप साइज़ के हिसाब से पता लगा सकते हैं। मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एक महीने के बच्चे, ये दो महीने के बच्चे, ये है तीन महीने के बच्चे। तो तीनों बच्चों को मैं इकट्ठा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। ये आप देख सकते हैं तीनों बच्चे का जो डिफरेंस है वो आप देखिए। तो अगर रैबिट एडॉप्ट करना चाहते हैं तो कम से कम इस तरह दो महीने का जो बच्चे है उन बच्चों को एडॉप्ट कीजिए। ये जो है ये माँ का दूध पीना छोड़ दिया है क्योंकि इसका दो मंथ पार हो चुका है, ठीक है। दोस्तों जो आप बच्चे देख रहे हैं ये अभी पाँच महीने का बच्चे है, तो ये अंगोरा का बच्चा है, मिक्स ब्रीडिंग है। तो पाँच महीने के जो बच्चे है वो देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, पाँच महीने के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं और बच्चे देने की लाइक भी होते हैं जो फीमेल रैबिट है वो। लेकिन कम से कम आपको आठ नौ महीना वेट करना पड़ता है ब्रीडिंग के लिए, ठीक। तो ये है एक महीने के बच्चे, ये है दो महीने के बच्चे, ये तीन महीने के बच्चे है और ये जो है ये पाँच महीने के बच्चे है। तो एक्चुअली मेरे पास चार महीने के बच्चे नहीं है, जो चार महीने के बच्चे होते हैं वो लगभग जो तीन महीने के बच्चे हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ रैबिट का जो पोटी है
उसे देखकर आप कैसे रैबिट का एस पता करेंगे। दोस्तों आप इस डायग्राम के ऊपर नोटिस कीजिए, तो जो एक महीने के बच्चे हैं उन बच्चे का जो पोटी है वो कुछ इस तरह देखने को मिलता है, बहुत ही छोटा होता है एक महीने का बच्चे का जो पोटी है वो। और दोस्तों ये है दो महीने के बच्चे का पोटी, तो आप देख सकते हैं दो महीने के बच्चे का जो पोटी है वो एक महीने बच्चे से थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। और जो तीन महीने के बच्चे का जो पोटी है वो इस तरह दिखते हैं, आप देख सकते हैं। और जो चार या पाँच महीने के बच्चे हैं उन बच्चे का जो पोटी है वो इस तरह देखने को मिलता है। और ये जो पोटी है ये 8 मंथ प्लस रैबिट का जो पोटी है वो है, काफ़ी बड़ा रैबिट का पोटी होता है जो 8 महीने की प्लस है। तो आप अच्छे से नोटिस कीजिए और इस पोटी को देखकर आप आपका जो रैबिट है उसका एज क्या है वो पता कर सकते हैं, मतलब वो बच्चे है या मैच्योर रैबिट है वो आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों जो रैबिट 5 या 6 महीने का होते हैं और उस समय वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो गेन करते हैं, अगर वो फीमेल होती है तो इस तरह निपल्स देखने को मिलती है, अगर वो मेल होता है तो इस तरह आपको अंडरकोश देखने को मिलेगा दोनों साइड में दो, और इस तरह आपको जेंडर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। खुदा हाफिज़। जिस रैबिट के बच्चे को माँ का दूध अच्छी तरह पीने को नहीं मिलता है, पर्याप्त परिमाण दूध नहीं मिलता है, उन बच्चे का जो हेल्थ है, ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होता है, वो बच्चे छोटे रह जाता है। तो उनके साथ ये जो ट्रिक्स है ये मत आजमाइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको पता चला कि आपका रैबिट इतने महीने का है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।